मठरी तो आपने बहुत बार बनाई होगी। सिंपल मठरी तो हर कोई बनाता है, पर डिजाइनदार मठरी कोई कोई बनाता है। ऐसी डिजाइनदार मठरी हर किसी को पसंद आती है। चलो बनाते हैं गुलाब के फूल जैसे सुंदर मठरी। हेलो गौरव पायल रसोई में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ खस्ता मठरी। मठरी बनाने के लिए मैंने आधा किलो मैदा लिया है, आधा चम्मच अजवाइन, 100 ग्राम देसी घी, नमक स्वाद के अनुसार। घी को मैंने मेल्ट करके रख लिया है। अब मैं बना रही हूँ मठरी, खस्ता मठरी। सबसे पहले मैदा में स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, अजवाइन मसल के डालें, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें घी डालेंगे, आप रिफाइंड भी डाल सकते हैं, लेकिन घी से सबसे अच्छा बनता है मठरी खस्ता। मैंने घी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इस तरह से मुट्ठी बांधेंगे तो आसानी से बन जाए। और ये 500 ग्राम मैदा में 100 ग्राम घी काफ़ी होता है। अगर घी या फिर ऑयल कम रहेगा तो आपकी मठरी अच्छी नहीं बनेगी, या फिर समोसे भी अच्छे नहीं बनेंगे और खस्ता भी नहीं बनेंगे। अगर आप 1 किलो मैदा से मठरी या फिर समोसे बना रहे हैं तो उसमें 200 ग्राम घी या फिर ऑयल डालें। अब मैं इसका सख्त डो लगा के तैयार कर लेती हूँ। मैंने नॉर्मल पानी लिया है, इसका जो आटा टाइट होगा, अगर हम ढीला ढीला गूंद देंगे तो हमारी मठरी अच्छी नहीं बनेगी, इसलिए टाइट डो लगाएं। थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें और पानी ध्यान से डालें, अच्छे से मसल मसल के गूंदे। मैंने आटा लगा लिया है, जो पूड़ी के जैसे लगाया है मैंने। इसका लोइया तोड़ लेंगे, इसको इस तरह से रोल कर लेंगे। और इसे काट लेंगे, मैंने लोई रख लिया है। अब इसे बेलते हैं, मोटा मोटा बेलना है, ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। इसको गोल करने की ज़रूरत ही नहीं है, आड़ा टेढ़ा भी बेल सकते हैं। मैंने बेल लिया है, अब इसका डिजाइन देंगे। आपके पास कटर या फिर इस तरह से नोकीला जैसा गिलास हो, इसे भी आप काट सकते हैं गोल गोल। मैं इस तरह से डिजाइन दूंगी, इसी गिलास से काटूंगी, या फिर आप कटोरी भी ले सकते हैं। गोल गोल काट लेंगे। ऐसे काट लेंगे और इससे निकाल लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा आटा बच गया इसको बाद में बनाएंगे। हमारी मठरी बनाने के लिए एकदम गोल कटिंग हो गई है। अब इसका एक अलग तरह का डिजाइन बनाऊंगी, उसके लिए नाइफ से बीच में कटिंग करेंगे। चारों को काट लेंगे। इस तरह से मैं फोर्क से डिजाइन दे रही हूँ। आप कांटेदार चीज़ों से या फिर फोर्क से भी दे सकते हैं। इस तरह से सभी को ऐसे कर लेंगे। मैंने सभी को इस तरह से तैयार कर लिया है। अब इसमें हल्का पानी लगा के अच्छा डिजाइन बनाऊंगी। अब इसको इस तरह से रख लेंगे।
और अच्छे से थोड़ा प्रेस कर लें ताकि तलते समय खुले ना, और अच्छे से चिपका दें। इसे प्रेस कर दें। ये जो दो बच गए हैं इसको मैं बाद में काम में ले लूँगी। अब इसको रोल करते हैं। इस तरह से प्रेस करते हुए उठाएं। इसे चिपकाते हुए देखो इसका कितना अच्छा डिजाइन बन गया है। मैं फिर से एक बार बना के दिखा रही हूँ। मैंने गोल बेल लिया है, अब इसको फिर से कटिंग करके दिखा रही हूँ। इस तरह से चारों को बीच से कट कर लेंगे। गुलाब के फूल की तरह सुंदर बनेगा। इसी तरह से सारे को चिपका लेंगे। अब इसको गुलाब के फूल के आकार में तैयार कर लेंगे। इसको इस तरह से रोल करते हुए पीछे से उठाते जाएंगे और इसको चिपकाते जाएंगे। इससे खुले ना। उठाते समय ध्यान से उठाएं और इसको इस तरह से पहले नीचे की साइड चिपकाएंगे अच्छे से। इसे चिपका लें, फिर ऊपर से इसको खोल लेंगे। आराम आराम से खोलें, ध्यान से सभी को गुलाब के फूल की तरह इसका डिजाइन बनाएंगे इससे। और इसके ऊपर काली मिर्च चिपका देंगे। एक काली मिर्च या फिर इसके ऊपर लौंग भी डाल सकते। मैंने सभी को तैयार कर लिया है, अब मैं इसे फ्राई करूंगी। मैंने कढ़ाई में तेल डाल के गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल हमारा गर्म हो गया है, ज़्यादा गर्म नहीं है, हल्का गर्म। तेज गर्म में नहीं डालना, एक एक करके आराम से डालेंगे। जिस समोसे के लिए तेल हल्का गर्म रखते उसी तरह से डाल देंगे। इसमें ज़्यादा भर के नहीं डालेंगे। और इसको धीरे धीरे सिकने देंगे। मैंने गैस का फ्लेम को मीडियम कर रखा है, इससे धीरे धीरे सिकने देंगे। इसमें तुरंत करछी नहीं मारेंगे, तुरंत मार देंगे तो जो डिजाइन बनाए हो खराब हो जाएगा। ये हल्का सिक गया है ऊपर से, इसको थोड़ा सा हिला लेंगे। आराम से पलट लेंगे। मैंने इसको अच्छी तरह से चिपकाएं, इस वजह से खुल नहीं रहे। अगर अच्छे से नहीं चिपकाती तो ये खुल जाते, अलग अलग हो जाते और इसका डिजाइन खराब हो जाता। ये बिल्कुल भी नहीं खुल रहे हैं।
ये बहुत अच्छे बन रहे हैं। सुंदर मठरी हमारी सीख के तैयार हो गई है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। मैंने प्लेट में डाल के रख लिया है और ये मठरी हमारी एकदम खस्ता बनी है। सुंदर मठरी बनाने की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नई वीडियो का अपडेट पहुंचता रहे।